तो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग जा रहे हैं पटना एग्जाम लिखने, तो चलते हैं आपको दिखाएंगे उधर का जो व्यू होने वाला। अभी हम लोग कोडरमा स्टेशन पे हैं और इसके बाद अभी हम लोग चलेंगे पटना, तो आपको दिखाएंगे कैसे जर्नी होने वाली है हमारी। तो चलते हैं, अब जब ट्रेन आएगी तो आपको दिखाएंगे, उसके बाद चलेंगे पटना। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो चलिए बनते हैं आप लोग के साथ, बने रहते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस जर्नी में। तो पटना काफ़ी खास जगह है, पहली बार मैं पटना जा रहा हूँ एग्जाम लिखने, एयरफोर्स का बोले तो अग्निवीर का एग्जाम लिखने जा रहा हूँ। पहली जो एग्जाम है एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, तो वही, तो वहाँ जाके आपको मिलते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अभी हम लोग ट्रेन पे बैठ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और ट्रेन हमारा अभी स्टेशन से खुल चुका है, तो चल रहे हैं। आप पटना पहुँचेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे, तो चलते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में आप लोग को। हमारे दोस्त और हमारे साथ एक दोस्त मिले हैं, चेहरा दिखा देंगे, ये पटना में ही रहते हैं, तो चलते हैं पटना और आपको पटना में चल के दिखाते हैं वहाँ का व्यू। शानदार व्यू है, आदि शाम का समय इधर घूमने आते हैं तो काफी मजा लगेगा, कहीं बैठने वक्त की जगह काफी अच्छा है, और देख सकते हैं इधर बकरी उकड़ी भी है, चराने आ सकते हैं आप लोग यदि चराते हैं तो, सर काफी सही जगह। हाँ, छागर, कोर्ठा में छागर बोला जाता है बकरी को। तो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग पटना पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये पटना स्टेशन है, काफी बड़ा स्टेशन है पटना, और अभी हम लोग पटना में उतर के बाहर आ चुके हैं पटना स्टेशन के, और इधर से बस लेंगे और हम लोग जो जहाँ दोस्त रहता है वहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद फिर कल सुबह सुबह हम लोग का एग्जाम है तो चलेंगे। आप देख सकते हैं काफी बड़ा पटना स्टेशन और काफी अच्छा सा सजाया भी गया है पटना स्टेशन को, आप देख सकते हैं काफी भीड़ भाड़ वाला जगह है पटना स्टेशन, गाड़ी लगी है दूर दूर तक, तो काफी मजा आने वाला है, तो चलते हैं अब नॉर्मली से आगे। भाई अभी हम लोग एक टेम्पो वाले से बात किए तो वो ना पता है यहाँ से मुसल्लापुर हाट का जो किराया मांग रहा है वो 200 रुपया, और नॉर्मली जो भाड़ा है वो 20 रुपया है, तो आप देख सकते हैं लूटा जा रहा आम जनता को यहाँ पे, बाल भी खराब हो चुका ट्रेन में आते आते, और आप देख सकते हैं यहाँ का ये काफी जो जगह है वो काफी बड़ा है। आप देख सकते हैं ये पूरा साफ है, और अभी हमको यहाँ से NIT जाना है, उसके बाद फिर वहाँ से अभी बस मिलती है, तो इसे काफी भीड़ भाड़ वाले के एरिया है भाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ हैवी ट्रैफिक है पूरा पटना जंक्शन के पास, और अभी पूरा आप देख सकते हैं इधर पूरा हैवी ट्रैफिक लग चुका है, पता नहीं कितना लेट लगेगा हम लोग चलने में। तो ये सब इधर बनाने के लिए और अभी लोग काफी लोग इधर कपड़ा हमारा NIT कॉलेज, आप देख सकते हैं इधर पूरा भीड़ लगा है, वहाँ से तिरंगा जाता दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं यही है गांधी मैदान, पटना का गांधी मैदान आप देख सकते हैं। हम लोग अभी बाहर से रोड के साइड से सफर कर रहे हैं, और इधर अंदर के लोग जो है गेम खेल रहे हैं, इतना नहीं होगा
चलाते हैं अभी। नथुरा है कावर गाड़ी से, मतलब ऑटो से जा नंबर रहे है नंबर ये है मेन के से। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो व्यू आ रहा उधर का काफी शानदार व्यू है। यहाँ पार्क है शहीद पूर्व के लिए जो स्मृति पार्क जो लगाया गया वही है यहाँ पे। बड़ी मजा लग रहा है यार, कहीं बचा सकते हैं ये है पटना आप देख सकते हैं पटना का ये हसीन वादी घूमने में काफी अच्छा लग रहा हूँ देख सकते हैं। अभी हम लोग जिस साइड से चलेंगे वहाँ पे खान सर का कोचिंग भी आएगा तो हम लोग देख लेंगे खान सर का कोचिंग कहाँ पे है, क्योंकि पटना में आए और खान सर का कोचिंग ना देखे तो क्या देखें। खान सर द ग्रेट मैन ऑफ बिहार भाई आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है वो देखने में काफी शानदार रहा है। तो मुझे लगा कि चलो आपको दिखा देते हैं और इधर तो टेम्पू से बट देखने में काफी शानदार है बिल्डिंग सुबह निशान। तो अभी हम लोग खान सर जीएस रिसर्च सेंटर के पास सामने आ चुके हैं और उसके बाद हम लोग का जो दोस्त का रूम है वो इधर ही है तो आप यहाँ से देख सकते हैं खान जीएस रिसर्च सेंटर यहीं पे है खान सर का लाइब्रेरी। तो आपको दिखा देता हूँ इधर से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा खान लाइब्रेरी खान जीएस रिसर्च सेंटर बाय खान सर के द्वारा। तो ये गली में हम लोग कहीं जाना तो चलते हैं इस गली में और इधर ही हमारा दोस्त का रूम है तो चलते देखते कहाँ पे है उन लोग का रूम। आप देख सकते हैं पूरा खान सर खान सर खान सर ही चल रहा है इधर जहाँ हम देख सकते है स्क्रीन में भी चलता है सिर्फ खान सर। तो खान सर का ये आई थिंक लग रहा है ऑफिस है वर्क होगा जो इधर ही होगा। ये खान सर का पूरा